हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी कादंबरी के पाठ 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों, आप लोगों को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो आइए उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ें। हमारे देश ने लंबे समय तक ब्रिटिश सत्ता की अधीनता में परतंत्रता का दुख झेला है। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारतवासियों ने एक लंबा संघर्ष किया। तत्पश्चात हमें स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ। इस संघर्ष में लाखों लोगों ने योगदान दिया, परंतु उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और महान बन गए। ऐसे ही महान व्यक्तियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रगण्य है। तो बच्चों, इसमें लिखा गया है कि आपको ये पता ही है कि हमारे भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी में था, ठीक है। तो गुलामी में था तो अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया है, ठीक है। लाखों लोगों ने योगदान दिया, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को गुलामी से, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसे ही महान व्यक्ति में एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। उनका नाम सबसे आगे लिया जाएगा उनके कार्यों के कारण। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पूरा विश्व चाचा नेहरू और शांति दूत के सभी नाम से भी जानता है, वे एक विद्वान, इतिहास के ज्ञाता व महान लेखक भी थे। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1898 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही हुई थी, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन 1907 में वे विदेश चले गए। सन 1912 में वकालत की डिग्री प्राप्त करके वे स्वदेश लौट आए। सन 1916 में उनका विवाह कमला देवी नामक युवती के साथ हुआ और सन 1919 में उनकी पुत्री प्रियदर्शिनी, जिन्हें हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, का जन्म हुआ। यहाँ पे बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पूरा विश्व आज हम इनको जो है बड़े प्यार से बच्चे जो हैं चाचा नेहरू पुकारते थे, और पूरा राष्ट्र इन्हें जो है शांति दूत के नाम से भी जानता है। ये बहुत ही बड़े विद्वान थे, इन्हें हर चीज़ का ज्ञान था, इतिहास के तो बहुत ज़्यादा ही इन्हें ज्ञान था। वह एक अच्छे लेखक भी थे। पंडित नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1898 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ, और उनके जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माताजी का नाम जो था स्वरूप रानी था। और उन्होंने जो शुरुआती शिक्षा ली थी वो कहाँ पे ली थी, घर पे ही हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा और पढ़ने के लिए वे विदेश गए सन 1907 में, और वकालत की डिग्री लेने के लिए वो विदेश गए थे। तो विदेश जाने के बाद सन 1912 में वे अपने वकालत की डिग्री प्राप्त करके अपने देश यानी कि स्वदेश भारत को लौट आए। और उनका विवाह जो है सन 1916 में कमला देवी जी के नाम की युवती के साथ हुआ था, और 1919 में उनके घर जो है प्रियदर्शिनी, यानी जिन्हें हम इंदिरा गांधी जी के नाम से जानते हैं, वे भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं हमारे भारत की, उनका जन्म हुआ। जिन दिनों जवाहरलाल अपनी वकालत कर रहे थे, उन दिनों भारत में अंग्रेज़ों की दास्ता के विरुद्ध संग्राम छिड़ा हुआ था। हर ओर भारत को स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जा रहे थे, परंतु तब जवाहरलाल इस संग्राम में पूर्णतः
सक्रिय नहीं थे। जिन दिनों यानी जब ये वकालत कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन दिनों क्या है, अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी, दास्ता थी, उसके विरुद्ध कोहराम मचा हुआ था। आज़ादी के लिए छटपटाहट थी सबके बीच में। हर ओर क्या हो रहा था, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेकों प्रयास हो रहे थे। लेकिन तब तक क्या था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं पूर्णतः सक्रिय नहीं थे, यानी पूरी तरीके से इसमें शामिल नहीं थे। सन 1916 में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। उनसे मिलकर पंडित नेहरू के जीवन की दिशा ही बदल गई और वे अपना सुख और ऐश्वर्य त्याग कर गांधी जी के नेतृत्व में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। फलस्वरूप उन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी तथा अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को भी सहना पड़ा, परंतु वे अपने मार्ग पर अविचल भाव से डटे रहे। सन 1920 से 1945 तक उनका अधिकांश समय जेलों में ही बीता, परंतु इसी बीच वे भारत की युवा वर्ग में भी अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। यानी इसका अर्थ है, सन 1916 में महात्मा गांधी जी, जैसे कि आप लोग इन्हें जानते हैं, महात्मा जी गांधी जी को बापू कहते हैं इन्हें प्यार से, अहिंसा के मार्ग पे चलना सिखाए, इन्होंने भी स्वतंत्रता दिलाने में बहुत योगदान दिया भारत को। तो क्या हुआ, सन 1916 में इनकी भेंट, जवाहरलाल नेहरू जी की भेंट महात्मा गांधी से हुई थी, जिनसे मिलके इनकी बातों का, महात्मा गांधी जी की बातों का नेहरू जी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और उन्होंने क्या किया, नेहरू जी ने अपने सुख सुविधा संपन्न जीवन को, सारी व्यवस्थाओं को त्याग कर इन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही थी, स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उसमें कूद पड़े। और इसकी वजह से क्या हुआ, इन्हें भी, नेहरू जी को भी कई बार जेल जाना पड़ा और अंग्रेज़ों ने जो भी जुल्म इन पे किया, यातनाएं दी, उनको भी इन्हें सहना पड़ा। लेकिन इतना सहने के बावजूद भी नेहरू जी जो है अपने मार्ग से डिगे नहीं, अटल रहें, निश्चित रहें कि मुझे मंजिल हमारी जो है भारत को आज़ादी दिलाने की, उस पर अटल रहें। तो सन 1920 से 1945 तक का समय, इनका अधिकांश समय किस में बीता, जेल में ही बीता। लेकिन इस समय क्या हुआ, युवा वर्ग नौजवानों के बीच में खासे लोकप्रिय हो गए कि ऐसे भी हैं जो हमारे लिए इतना भारत की आज़ादी लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जवाहरलाल जी वो शख्स हैं। जिस समय भारत में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू के माता पिता व पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अपने निजी जीवन में कई आघात सहने के बावजूद वे स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्णतः सक्रिय रहे। उन्हें सन 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद उन्हें पूर्ण स्वराज की घोषणा की। जिस समय भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था, सत्याग्रह आंदोलन, उस समय क्या हुआ, नेहरू जी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। तो अपने निजी जीवन में कई बाधाओं को, कई आघात सहने के बावजूद भी वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे, अपने मार्ग से डिगे नहीं। और सन 1929 में कांग्रेस में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसमें इन्हें क्या किया गया, कांग्रेस का नेता यानी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और जिसके बाद क्या हुआ, जब इन्हें अध्यक्ष चुना गया तो उसके बाद जो है इनकी लड़ाई जो है सफल हो चुकी थी और भारत को आज़ादी मिल गई, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा उस समय ही की गई जिस समय इनको अध्यक्ष पद कांग्रेस का नियुक्त किया गया था। अब आगे का पाठ जो है हम अगले वीडियो में पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।